अब कौशाम्बी के बारे में भी जान लेते हैं और कितना वोटिंग परसेंटेज वहां पर रहा है, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी अनुका। बिल्कुल गुंजन, कौशाम्बी अमेठी महत्वपूर्ण जिले हैं। सबसे पहले कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। तीन सीटें कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए 5 बजे तक 57% मतदान यहाँ हुआ है और सिराथू की जो सीटें हैं 2017 के वहां के किस तरह के वोट प्रतिशत रहे ये आप देखेंगे। दो तालिकाएं आपको दिखा रहे हैं सिराथू और ये अलग अलग सीटों पर 2022 और 17 का ये वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन टक्कर किन लोगों के बीच थी, कौन से वो चेहरे थे जिनके बीच टक्कर बनी थी, तो ये आप देख लीजिए। जहां कौशाम्बी जिला वीवीआईपी सीट में शुमार है क्योंकि सिराथू सीट से यहां महामुकाबले की चर्चा जोरों पर रही है। केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में थे, इनका मुकाबला अपना दल और सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से था। और अब आप देखिए कौशाम्बी की मंझनपुर सीट है, यहाँ सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की साख दांव पर रही है। उन्हें भाजपा के लाल बहादुर से तगड़ी चुनौती मिली है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। अब चलिए अमेठी के बारे में जान लेते हैं, जल्दी से अमेठी का रुख करेंगे। अमेठी की 4 सीटें हैं, शाम 5 बजे तक 53% मतदान यहां हो चुका है। अपडेटेड आंकड़े भी एबीपी गंगा आपको बताएगा, लेकिन जान लीजिए 2017 और 22 का कंपैरिजन तो समझिए। ये जो सीटें हैं आप देख सकते हैं कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये है 22 का, लेकिन 5 बजे तक है जानकारी आपके नीचे है। अमेठी जिले की सबसे हॉट सीट कौन सी है इस पर नजर डालिए, ये है अमेठी सदर। यहाँ कद्दावर नेता राजा संजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर रखी है, जिन्हें जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी जहां महाराजी प्रजापति ने कड़ी टक्कर दी है। और संजय सिंह 33 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतरे।